नमस्कार साथियों, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, वंशागति के सिद्धांत एवं विभिन्नता के थर्ड पार्ट में आप और हम लोग मेंडल का कार्य लगभग 34 से 35 वर्ष तक क्यों प्रचलित नहीं हो पाया, अननोटिस्ड रहा, इस पर चर्चा करेंगे। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे 8 वर्ष तक, लगभग 10,000 एक्सपेरिमेंट, और एक ब्रून की सोसाइटी जो थी, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी को प्रस्तुत किए थे, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशंस के नाम से 1866 में, कब, विशेष ध्यान रखें कि ब्रून मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट 1865 को प्रस्तुत किए थे क्या, और उस सोसाइटी को प्रस्तुत किए। उस सोसाइटी ने इनके एक्सपेरिमेंट को 1866 में एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से पब्लिश किए थे। पब्लिश किए तो पब्लिश करने के, ऐसा होता है ना कि जब जो, जो कोई पिक्चर मार्केट में आती है, तो मार्केट में आते ही एक एक्साइटमेंट होता है कि ये पिक्चर को हम देखेंगे जाके, और ये पिक्चर मार्केट में धूम मचाएगी। लेकिन वो पिक्चर ने कोई धूम नहीं मचा पाई, और जबकि उस पिक्चर पर को बनाने में पैसा बहुत खर्च हुआ, लोगों की उम्मीद बहुत थी कि ये पिक्चर बिल्कुल हिट जाएगी, लेकिन टाई टाई फिस फिस हो गई, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो इसके पीछे क्या कारण था, कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा कि पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छे तरीके से हिट होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई, उसके पीछे क्या कारण था। ऐसा ही कारण मेंडल्स के लिए था। मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट उस समय मुख्य रूप से क्यों फेमस नहीं हो पाए, उन्होंने मुख्य रूप से मार्केट में धूम क्यों नहीं मचा पाई, उसका सीधे सीधे कारण था, मेंडल्स आइडिया वर अहेड ऑफ हिज टाइम। मेंडल्स के जो आइडिया थे क्या, तो देखिए, मेंडल के जो आइडिया थे वर अहेड अहेड मतलब ऑफ दिस टाइम, जिस समय ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे साइंटिस्ट मेंडल, उस दौरान के ये एक्सपेरिमेंट नहीं थे, ये बहुत आगे के समय के एक्सपेरिमेंट थे। क्या ये मेंडल के बहुत आगे के समय के मुख्य रूप से एक्सपेरिमेंट थे। तो क्या लिख दिया जाए, मेंडल के आइडिया उस समय के एक्सपेरिमेंट हिसाब से मतलब कोई गणित का हिसाब नहीं है कि कैलकुलेशन आप करने लगाने लगे। मेंडल ने जो आइडिया दिए थे उस समय के लोग सोच नहीं सकते थे, ये बहुत आगे के आइडिया रहे होंगे। क्या बहुत आगे के आइडिया रहे होंगे, इस वजह से मुख्य रूप से ऐसा लिखा गया। फिर वैज्ञानिक ने दूसरा मुख्य रूप से क्या रीजन बताया, हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन ए लोकल पेपर। हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन ए लोकल पेपर। तो लिख दीजिए दूसरा नंबर, हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन ए लोकल या फैमिलियर पेपर। तो लोकल पेपर से तात्पर्य क्या है, क्या लोकल पेपर से मुख्य रूप से तात्पर्य क्या है, कि जो वही चलता हो, ज्यादा पेपर पब्लिश ना हो, और उसकी जो कॉपी बनाई जाती हो वह लिमिटेड मुख्य रूप से सर्कुलेट की जाती हो।
लिमिटेड सर्कुलेट की जाती हो, कोई उस पेपर को अधिक से अधिक स्टडी नहीं करता हो, ये तात्पर्य है। तो इनके जो एक्सपेरिमेंट थे, इनके एक्सपेरिमेंट को ऐसे ही पेपर में मुख्य रूप से किया गया, तो लोगों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान नहीं गया। तो क्या लिख दिया जाए, उनके कार्य को एक लोकल या, मैंने अपनी तरफ से लिखा है, सामान्य पेपर या पत्रिका में प्रकाशित किया गया, जिसे अधिक जिसका अधिक वितरण नहीं था। क्लियर, ये हो गया। तीसरी बात, वैज्ञानिक के साथ मुख्य रूप से क्या थी, ये एक सामान्य व्यक्ति थे, ये ना ही तो मुख्य रूप से किसी बड़े विश्वविद्यालय से संबंध रखते थे, ये संबंध से मतलब किसी बड़े विश्वविद्यालय के सदस्य हों, या किसी बड़े विश्वविद्यालय के सदस्य हों। वही कहते हैं ना कि बहुत बड़ा व्यक्ति है। आज मैं मुख्य रूप से कह दूं कि एक कोई, जैसे इस देश के बहुत रईस ज़ादे अंबानी जी हैं, अंबानी जी के पुत्र या पुत्री मुख्य रूप से कोई एक इस प्रकार की बुक्स को पब्लिश कर दे, तो वह मुख्य रूप से धमाका मचा देगी। क्या धमाका मचा देगी, तो क्यों, क्योंकि वह एक बहुत रिच मैन व्यक्ति है, रिच मैन व्यक्ति इस वजह से धमाका मचा रही। तो वही चीज कहा गया, ये एक महानतम वैज्ञानिक नहीं थे और ना ही किसी विश्वविद्यालय में सदस्य थे। तो लिख दिया जाए, ये कोई महानतम वैज्ञानिक नहीं थे और ना ही किसी बड़े और ना ही किसी बड़े विश्वविद्यालय के सदस्य या मेंबर थे। ये कोई महानतम वैज्ञानिक नहीं थे और ना ही किसी बड़े विश्वविद्यालय के सदस्य थे। तो ये चीज मुख्य रूप से बताई जाती है। फिर बताया जाता है फोर्थ नंबर का पॉइंट, कैलकुलेशन डन बाय मेंडल्स वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो मेंडल जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गणित के फॉर्मूलों का उपयोग किया, मैथमेटिकल फॉर्मूला जिसको सांख्यिकी कहा जाता है, इनके फॉर्मूले का यूज किया। तो उस समय के वैज्ञानिक जो थे, उस समय के जो लोग थे, वह समझ नहीं सके। क्या उस समय के लोग मुख्य रूप से इनके कैलकुलेशन को समझ नहीं सके, क्यों, क्योंकि उस समय के लिए वो कैलकुलेशन बहुत टिपिकल थे, उस समय के लिए वो कैलकुलेशन मुख्य रूप से बहुत टिपिकल थे। तो क्या लिख सकते हैं, कैलकुलेशन डन बाई आरास डन बाई मेंडल वार वेरी कॉम्प्लीकेटेड। क्या लिख दिया गया, कैलकुलेशन डन बाई मेंडल वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अरे बहुत दूर दूर लिखता है, कॉम्प्लीकेटेड।
यानी कि मेंडल के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट के दौरान कैलकुलेशंस किए गए थे वो बहुत ही टिपिकल थे, तो इस वजह से उस समय के लोग समझ नहीं पाए। तो भैया जो चीज समझ में नहीं है उठा के रख दो, चलो कोई मतलब नहीं है। तो ये थे मुख्य रूप से मेंडल का एक ये रीजन। दूसरा रीजन ये भी था, एक नगेली साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? नगेली साइंटिस्ट थे। नगेली साइंटिस्ट ने हॉक विडो, हॉकविड जिसका नाम हयार्सियम भी था, इस पौधे पर एक्सपेरिमेंट करने को कहा। नगेली वैज्ञानिक ने हॉकविड पर एक्सपेरिमेंट करने को कहा। तो इन नगेली साइंटिस्ट ने हॉकविड यानी हेर्सियम पर एक्सपेरिमेंट करने को कहा, तो एक्सपेरिमेंट तो वैज्ञानिक ने किए लेकिन वह परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए जो गार्डन पी प्लांट पर वैज्ञानिक ने किए थे। जो जीजे मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पर किए थे वह परिणाम मुख्य रूप से प्राप्त नहीं हो पाए। एक ये भी बहुत बड़ा असफलता का कारण था, अंडरलाइन कर लेना। एक चीज ये एक चीज था, बहुत बड़ा पॉइंट अब आ रहा है। 1859 में, 1859 में एक साइंटिस्ट थे डार्विन, इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी, द ऑरिजन ऑफ स्पीसीज, द ऑरिजन ऑफ स्पीसीज वाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्या? द ऑरिजन, बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत अच्छी बात आ रही है। द ऑरिजन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 1859 में पब्लिश हुई थी। इस बुक ने, डार्विन भी बहुत महानतम वैज्ञानिक थे अपने समय के, इस बुक ने मुख्य रूप से बॉक्स ऑफिस पर वो धमाका मचाया, कि 1865 में जीजे मेंडल द्वारा जो बुक पब्लिश की गई उसको बिल्कुल मुख्य रूप से बंद कर दिया। एक एक बहुत महानतम कारण था कि 34 ईयर्स तक मुख्य रूप से जीजे मेंडल का वर्क अननोटिस्ड रहा। तो ये पांच कारण हैं, ये 5 रीजन है जिसके कारण से मुख्य रूप से इनके वर्क पर किसी का ध्यान नहीं गया और 1884 में इनकी मृत्यु हो गई। 65 में प्रस्तुत की, 1884 मृत्यु हो गई। उसके 19 वर्ष बाद कहीं जाकर मुख्य रूप से इनके किए गए एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दिया गया। अब यदि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है 12th लेवल पर, 4 नंबर 5 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, कि मेंडल्स के कार्य पर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया, या मेंडल्स का कार्य लगभग 34-35 वर्ष तक अननोटिस्ड क्यों रहा। तो ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हट गया मैं। तो देख लीजिए आज के क्वेश्चंस को, देखिए डार्विन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखें। साइंटिस्ट, सेकंड क्वेश्चन, साइंटिस्ट नगेली ने किस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करने को जीजे मेंडल से कहा था। तो ये 2 क्वेश्चन है जो आपको जवाब कमेंट्स बॉक्स में देना है।